जी, आपकी जो वापसी हुई है, घर वापसी हुई है कांग्रेस में, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो टिकट भी दिया गया था लोकसभा का, लेकिन आपने एक बार फिर अवसरवादिता दिखाई, ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अगर अशोक तंवर अवसरवादिता दिखाने वाला होता तो भारतीय जनता पार्टी में 5 साल पहले चले जाते। तो इसलिए मैं इस मंच से, क्योंकि आज हम पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कोई नकारात्मक बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि अशोक तंवर नहीं आ रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति आ रही है। हाँ जी, जिस वजह से फिर आपको कांग्रेस आना पड़ा। देखिए, अगर सम्मान होता तो मैं समझता हूँ वहां तो बेकदरी होती है, संविधान की बेकदरी है, दलित नेताओं की बेकदरी है, और दलितों नहीं, जो भी शोषित है, पीड़ित है, जिसको अपने अधिकारों की जरूरत है, उसके वो अधिकार छीने जाते हैं। तंवर साहब, आप बस वहां से पहले बेकदरी हुई आपकी, कांग्रेस से तो नाराज होकर आप दूसरी पार्टी में गए, अब बीजेपी से बेकदरी होकर फिर यहाँ आए हैं, तो ये माना जाए कि आगे आपकी गारंटी रहेगी कि जैसे कांग्रेस गारंटी देती, आपकी क्या गारंटी आगे की? देखिए, वैसे तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं होता, और ये तो अपना घर है, आप भी घर से जब निकलते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी घूम के आएंगे तो वापस आखिर घर में आकर ही रुकेंगे, और जब घर छोड़ता आदमी तब घर की ज्यादा कदर पता चलती है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहते हैं ना, डिस्टेंट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। तो दूर से हमें लगता था, अब तो मैं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम 360 डिग्री सारा चीज समझ करके आया हूं, और इसलिए आज राहुल जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय संविधान, जय राहुल।